हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 146 प्रॉब्लम सी सर्च इन अ पैरेलल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा है बट समझ लेंगे जल्दी से, और फिर उसके बाद इसका प्रोस देखेंगे। और इसमें हम लगाने वाले हैं बेसिक ग्रिडी, समझ लीजिए आप, ठीक है, ग्रिडी अप्रोच से इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। तो अब देखते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और क्या ये बता रहा है हमको। ठीक है, तो उसको समझते हैं अच्छे से। हमें क्या दिया गया है कि दो रोबोट्स दिए गए हैं। ठीक है, दो रोबोट्स दिए गए हैं। अब क्या करेगा कि एक रोबोट्स को हमें, देखिए, नंबर, कुछ नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे एक रोबोट को हमने कुछ असाइन दे दिया कि आप इतना डाटा रखोगे स्टोर, और दूसरे रोबोट को हमने दे दिया कि आप इतना डाटा स्टोर रखोगे। तब हम उसके बाद पूछेंगे कि यार, मान लीजिए वन से लेके एन तक मान लीजिए बॉक्सेस हैं। अब हमने वन बॉक्स को किसी में रख दिया, किसी एक रोबोट में, और दूसरे को किसी एक रोबोट में रख दिया। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स जो है आईएथ बॉक्स किसी एक ही रोबोट में होगा, या तो रोबोट वन या तो रोबोट टू में। अब हमने पूछ लिया, उसके बाद जब ऐसा हमने अरेंजमेंट कर दिया, तब हम पूछ रहे हैं कि ये जो एक्स एक्स वाला ब्लॉक है मान लीजिए, वो कौन से रोबोट के पास है, रोबोट वन या रोबोट टू के पास। तो अब क्या होगा कि इसमें सर्चिंग होगा। अब दोनों रोबोट्स के पास मान लीजिए डाटा आप एक एरे के फॉर्म में रखे हैं। ठीक है, एक एरे के फॉर्म में आपने डाटा रखा है, और रोबोट वन में भी और रोबोट टू में भी। तो अब क्या होगा, सर्चिंग स्टार्ट होगा। रोबोट वन भी सर्च करना शुरू करेगा कि यार डाटा मेरे में प्रेजेंट है, और रोबोट टू ये सर्च करेगा कहीं डाटा मेरे में तो नहीं प्रेजेंट है। तो अब इसमें सर्च करने के लिए, रोबोट वन में सर्च करने के लिए, जो उसका एक एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए पूरा, ऐसा समझ लीजिए वो S1 टाइम ले रहा है, और इसके एक एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए रोबोट टू का, ये S2 टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये S1 टाइम ले रहा है एक एलिमेंट को, ये S2 टाइम ले रहा है। तो ये S1 टाइम के बाद, आफ्टर S1 टाइम इसको ये प्रोसेस करेगा, ये S2 टाइम के बाद ये इस एलिमेंट को प्रोसेस करेगा, ये 2S1 के बाद इस एलिमेंट को प्रोसेस करेगा, ये 2S2 के बाद इस एलिमेंट को प्रोसेस करेगा। और ये प्रोसेस चलती जाएगी जब तक हम, हमारा एलिमेंट जो हमने एक्स पूछा गया है उससे, ठीक है, वो मिल नहीं जाता, तब तक ये सर्चिंग चलती रहेगी। और जैसे ही वो उसको मिलेगा वैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, कॉन्टेस्ट अभी खत्म हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सर्चिंग तब तक चलेगी जब तक हमारा कोई एलिमेंट मिल नहीं जाता, या तो ये अपना, ये वाला रोबोट अपना कोई साइज ही है अपना खत्म ना कर दे। अगर हाँ इसकी साइज ही खत्म हो गई तो अपने आप टाइम वो रुक ही जाएगा। ठीक है, वो रोबोट, तो इतना होगा हमारा एक एलिमेंट को फाइंड करने का टाइम। ठीक, तो अब प्रॉब्लम थोड़ा उल्टा दिया गया है। प्रॉब्लम क्या दिया गया है कि आपको ये बॉक्सेस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये लिस्ट जो है आपको दिया नहीं गया है, आपको बस इतना बोल दिया गया है कि आपको वन से लेके एन बॉक्सेस हैं। ठीक है, और आपको दे दिया गया कि जो आईथ बॉक्स है वो कितनी टाइम, ठीक है, कितना टाइम्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कितनी बार उसकी क्वेरी जनरेट होगी। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल अगर हम लें, तो ये 8644417, इसका मतलब जो पहला बॉक्स है उसको हम 8 बार पूछेंगे कि यार वो किस कहाँ पे है, किस पोजीशन पे। तो इसका सर्चिंग टाइम हमें 8 × मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका जितनी बार एक सर्च करने पे, जितना टाइम एक को सर्च करने में लगेगा पहली बार लगेगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसको 6 से, इसको 4 से, इसको 4 से, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि अगर ये 7 बार सर्च हुआ है तो इसका मतलब एक बार सर्च करने का जितना टाइम है × 7 होगा इतना टाइम। ठीक, तो अब हमें क्या बोला गया कि हमें रोबोट वन और रोबोट टू में कुछ ऐसी लिस्ट बनानी है इन दोनों में, कि हमें टाइम जो हमारा लगे वो मिनिमम लगे। ठीक है, तो बस इतना ही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बट यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8744417। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल था 731। ठीक है, तो ये 3 और 1 क्या है, ये 3 1 ये S1 है कि रोबोट वन में सर्च करने का कितना टाइम है, और ये रोबोट टू में सर्च करने का कितना टाइम है। तो और एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल है 8644। हाँ ठीक, 8644 17। ठीक है, अब हमें क्लियरली इससे ये पता चल रहा है कि मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में हम रोबोट वन के लिए एक बॉक्स बना दिए। ठीक है, कि यार इसमें हम एलिमेंट रखेंगे, रोबोट टू के लिए भी एक बॉक्स बना दिए, और इस दोनों एरे को डिक्लेयर कर दिए, बट इनको भी कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किए, इनका साइज हम अभी इस वाले बॉक्स पे खड़े हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यही बॉक्स ही तो भरना है कि रोबोट वन है मान लीजिए और ये रोबोट टू है। अब ये कितना टाइम ले रहा है, S1 टाइम ले रहा है, और ये कितना टाइम ले रहा है एक एलिमेंट प्रोसेस करने के लिए, S2 टाइम ले रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार जिसकी क्वेरी जनरेट हो रही है, मान लीजिए ये 8 टाइम्स ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आप ये सोचेंगे हमेशा कि यार इस 8 को ना सबसे कम टाइम में प्रोसेस किया जाए,
मतलब इस वाले एलिमेंट को, मतलब वन वाले एलिमेंट को सबसे कम टाइम में प्रोसेस किया जाए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार इसी क्वेरी जनरेट हो रही है, ठीक है, 8 टाइम्स ही आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद सेवन है, सेवन को आप सोचेंगे कि यार 8 के जस्ट बाद जो मतलब मिनिमम जो प्रोसेस करने का टाइम है सेकंड एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, जो उसके बाद एट मान लीजिए, 8 को प्रोसेस करने में मान लीजिए कुछ एक्स सेकंड लग रहा है, मिनिमम जो टाइम लगेगा हम उस जगह पे 8 को रखेंगे। उसके बाद जो अगला टाइम है सर्च करने का किसी भी एलिमेंट का, उस जगह पे हम 7 को रखेंगे, ठीक। तो अब हमारा ये क्या है कि रोबोट वन और रोबोट टू ये बोल रहा है कि यार इन दोनों एलिमेंट को लो, अभी इस एलिमेंट आया नहीं है इन दोनों बॉक्स में, ये खाली है, हम ये कहेंगे यार इस एलिमेंट को भरने के लिए इस समय, ठीक है, सर्च करने के लिए ये हमारा टाइम S1 लग रहा है, ठीक है, और इसको टाइम S2 लग रहा है। तो इस S1 और S2 में जो भी मिनिमम होगा, जो अभी क्या है कि ये सबसे मिनिमम इन्हीं दोनों में से होगा कोई, इस S1 और S2 में जो भी मिनिमम होगा 8 हम उस पे रखेंगे, ठीक है। तो अगर इस यहाँ पे S1 S2 में देखें तो S2 मिनिमम है, तो हम यहाँ 8 रख देंगे, ठीक। और हम क्या करेंगे, इस बॉक्स पे अपने हम चले जाएंगे। तो अब ये बॉक्स बोल रहा है कि मैं कंप्लीट होऊंगा 2 × S2, मतलब सेकंड इंडेक्स है ना, तो अब 2 सेकंड में मैं कंप्लीट होऊंगा। यहाँ पे S2 की वैल्यू 1 है, इसलिए ये बोल रहा है कि मेरे पास जो भी एलिमेंट रखोगे ना, मुझे सर्च करने के लिए 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मुझे सर्च करने के लिए S1 की वैल्यू 3 है, 3 सेकंड लगेंगे। तो अब 3 सेकंड और 2 सेकंड में कौन सा छोटा है? 2 सेकंड है। तो इसलिए आप 7, जो कि सबसे सेकंड सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो 7 को आप यहां रखेंगे, ठीक है। अब 7 को यहां रख दिए, अब यहां आप आ गए, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं कि हम अपडेट तो कर दे रहे हैं कि यार इतना सेकंड लगेगा, बट उस पे एलिमेंट नहीं रख रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि यार मुझ पे जो भी एलिमेंट तुम रखोगे उस पे 3 सेकंड लगेगा, और ये भी बोल रहा है कि यार मुझ पे जो एलिमेंट रखोगे उस पे भी 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि दोनों बोल रहे हैं कि यार मुझ पे कोई भी एलिमेंट रखो 3 सेकंड में मैं उसको प्रोसेस कर दूंगा, और ये बोल रहा है कि यार मुझ पे भी कोई एलिमेंट रखो मैं 3 सेकंड में उसे प्रोसेस कर दूंगा। तब मैं क्या करूंगा कि उसके बाद हमको देखिए ये 8 प्रोसेस हो चुका है क्योंकि सबसे ज्यादा बार ये था, फिर 7 हो गया, अब 6 की बारी थी, ठीक है, क्योंकि 6 उसके बाद है, तो हमें 6 पहले रखना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये 6 टाइम पूछा जा रहा है, और 6 और ये सॉरी और ये जो है ये 8 यहां नहीं होगा, यहां पे 8 का जो इंडेक्स है, ठीक है, ये 8 का इंडेक्स क्या है? 1 है, यहां पे 1 होगा, ठीक है। 8 टाइम्स ये पूछा जा रहा है, 8 नहीं पूछा जा, 8 को नहीं पूछा जा रहा है, ये 7 को नहीं पूछा जा रहा है, ये 7th वाले एलिमेंट को, ठीक है, इसलिए 7 ही रहेगा। अब ये होगा कि ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट को हमें सबसे करीब रखना था, तो ये दोनों क्या हो रहा था कि मतलब थोड़ा दोनों सेम ही आंसर दे रहे थे, तो हम इस समय इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पे सेकंड एलिमेंट हम रख दिए, या तो यहां रख दीजिए, ठीक है, यहां पे आप रख दीजिए सेकंड, ठीक, यहां पे हमने सेकंड रख दिया। अब फिर ये टाइम यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहां पे सेकंड नहीं है अभी, और ये टाइम बोलेगा कि अब मेरे पास जो भी तुम एलिमेंट रखोगे 2 × S1, मतलब 6 सेकंड में मैं उसको प्रोसेस करूंगा। ये बोल रहा है कि यार तुम मेरे पास अगर कोई एलिमेंट रखोगे, अगर जिस पे हम रख रहे हैं वही अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट जिसमें हम डाल रहे हैं उसी को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम अपडेट कर रहे हैं, किसी भी एक आप वेरिएबल से इसको बना सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास 6 सेकंड लगेंगे, ये बोल रहा है मेरे पास 3 सेकंड लगेंगे, तो अब मुझे डालना किसको है? अब मुझे इन तीनों में से किसी को भी हम एक को रख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि यार 4 टाइम्स है, तो मान लीजिए चलिए इसको हम रखते हैं। अब ये इन तीनों में, क्योंकि देखिए तीनों को उतने ही बार कॉल किया जा रहा है, उतने ही बार आपसे पूछा जा रहा है, तो तीनों को में तीनों में से कोई किसी एक को भी आप रख सकते हैं, ठीक। तो हम मान लीजिए इसको थर्ड को रख रहे हैं, तो यार ये बोलेगा यार थर्ड को अगर मैं रखूंगा तो 6 सेकंड लूंगा, और ये बोलेगा यार मैं 3 ही सेकंड दे दूंगा, तो थर्ड को यहां रखना बेटर है, ठीक है, तो यहां पे थर्ड हमारा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पे हमारा 7 था और यहां पे थर्ड आ गया। अब ये टाइम हम अपडेट करेंगे, ये बोलेगा कि यार मेरे पास जो भी एलिमेंट रखोगे मैं उसको 4 सेकंड में आपको दे दूंगा। अब ये बोलेगा मेरे पास मैं 6 सेकंड में दूंगा, तो इसलिए आप इस 4th वाले एलिमेंट को आप यहीं रखेंगे। फिर आप नेक्स्ट आप पहुंचेंगे, यार मेरे पास आप कोई भी एलिमेंट रखोगे मैं 5 सेकंड में दे दूंगा, ये बोलेगा कि यार 6 में दूंगा, तो आप 5 वाले पे रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नेक्स्ट एलिमेंट 5th वाले भी यहाँ रख देंगे। अब ये बोलेगा यार मेरे पास कोई एलिमेंट रखोगे मैं 6 सेकंड में दूंगा, ये बोलेगा कि भाई मेरे पास भी कोई 6 ही सेकंड में दे दूंगा, तो आप अब जो ये आखिरी वाला एलिमेंट है आप यहां रख दीजिए या तो यहां रख दीजिए, ठीक है, इसकी इंडेक्स कितनी है? 6 है, ठीक है, तो 6 आप या तो यहां रख दीजिए या यहां रख दीजिए, ठीक।
बट आपको बस एक गलती नहीं करना है, आपको ये एलिमेंट नहीं रखना है, एट यहां नहीं रखना है, ठीक है। एट अगर आप यहां रख देंगे ना, वो ये समझेगा एट इंडेक्स यहां पे है, ठीक है, एट वाला एलिमेंट यहां पे है। एट क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो पूछा जा रहा है, तो आपका इसका इंडेक्स रखना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें वेक्टर बना सकते हैं, पेयर वेक्टर आप पेयर बना सकते हैं, और उस पेयर में मान लीजिए उस पेयर में आप क्या करेंगे, वो नंबर, वो फ्रीक्वेंसी और उसका इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स आप वन से इनिशियलाइज कीजिएगा, ये दोनों आप इस वेक्टर में क्या करेंगे, पुश करेंगे। फिर उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप आप उसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद उसको रिवर्स सॉर्ट करिएगा, ठीक है, रिवर्स सॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम सबसे पहले कम टाइम में रखेंगे, ठीक। उसके बाद हमको क्या लगाना है, टू पॉइंटर लगाना है, टू पॉइंटर मीन्स दो, हाँ दो वेक्टर इनिशियलाइज करना है इसके बाद, ठीक है, टू वेक्टर इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज करना है आपको। टू वेक्टर इनिशियलाइज करने के बाद अगला स्टेप क्या लगाना है, टू पॉइंटर लगाना है, ठीक है। दोनों वेक्टर को पॉइंट आप यहां पे समझ लीजिए कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स यहां पहला एलिमेंट रखने के लिए पी मान लीजिए P1 टाइम लगेगा और इसको P2 टाइम लगेगा, ठीक। तो अब P1 P2 में जो छोटा है उसी पे हमारा एलिमेंट आएगा, ठीक है, जो भी इस आर, ठीक है, जो भी इसको शॉर्ट किए हम। फिर उसके बाद हम P1 P2 को उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर लेंगे, उसको हम कोड में देख लेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे टू पॉइंटर लगा देंगे, ठीक है। बस इसके बाद हम क्या हो रहा है हमारा, बस इतने में सॉल्व, ये ग्रीडी प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब हम सॉर्ट करने के बाद ग्रीडी अप्रोच हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कोड क्या है, इसका कोड बस सिंपल सा है कि हमने एन एक्स वाई ले लिया है, ठीक है, एक्स वाई हमारा क्या है, S1 S2 है, ठीक है, आप इसको मानिएगा। फिर हमने क्या कर लिया है, वेक्टर ऑफ पेयर बना लिया है, और हम उसमें जो भी वैल्यू है मतलब फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी एल फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ लिखा है, और उसका इंडेक्स डाल दिया है, फिर उसके बाद सॉर्ट कर दिया, फिर रिवर्स सॉर्ट करके दो वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया है कि यार हम जो ए और बी हमको रिटर्न करना है, दो लिस्ट वो हमारी कौन सी है, ठीक है। और पी वन और पी टू क्या कर लिया हमने, पी वन और पी टू दो पॉइंटर मेंटेन कर लिया है, ताकि हम दो पॉइंटर अच्छे से मतलब, ठीक है, दोनों बॉक्स के लिए, ठीक है, मतलब टू पॉइंटर नहीं है, दोनों बॉक्स के लिए, ठीक है, ताकि हम अपडेट करते रहें उसके अकॉर्डिंग। अगर P2 बड़ा है P1 से, तो इसका मतलब P1 में, P1 क्या है, A के लिए हमने डिनोट किया है, तो इसका मतलब A में हमें डालना चाहिए एलिमेंट, और P1 को हमने अपडेट कर दिया, P1 प्लस X। और अगर ऐसा नहीं है तो B में डालो और P2 को अपडेट कर दो, ठीक है। तो और यहाँ पे A डॉट साइज आपको डालना है, और सारे एलिमेंट आपको प्रिंट करने हैं, फिर B का साइज और B के सारे एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। तो बस इतना सा कोड था, तो आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेंट में, थैंक यू।